नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के 5 वर्षों की सफलता की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संस्कृति विभाग की ओर से पारंपरिक गीत और वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,00,000 रुपए वार्षिक बीमा पॉलिसी मासिक मानदेय डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली होने पर सहायता को इस पद का लाभ देने की बात कही। इसी के साथ में विभाग की ओर से 1 रुपए में दिए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने ऑनलाइन किट के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को हस्तांतरित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारे ऊपर एक ऋण है, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं उनसे हम भली भांति परिचित हैं। आपके इन कार्यों हेतु जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड ड्यूटी में शामिल सभी होमगार्ड के जवानों को 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इससे पहले सीएम ने रोशनाबाद हरिद्वार जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय थानों स्थित छात्रावास और साथ ही 100 बेड की बैरक का लोकार्पण भी किया। होमगार्ड निदेशालय में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। सीएम धामी ने कहा कि होमगार्ड की परेड को देखकर मुझे भी मेरे एनसीसी के दिनों की याद आ गई। मैं भी आपकी तरह पूरी निष्ठा से परेड किया करता था। उन्होंने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुझे फोर्स और वर्दी से बहुत लगाव है। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले कोरोना काल में हमारे होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया था और अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को अस्पताल ले जाने से लेकर लोगों को बचाने का उत्कृष्ट काम किया, जिसके लिए हमने उन्हें 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते फोर्स और वर्दी से मेरी आत्मीयता बहुत गहरी है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को वर्दी में देखता हूं तो निश्चित रूप से उसके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मेरा बचपन सैनिकों के बीच में बीता है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मेरा अनुभव भी आप जैसा ही है। शायद इसलिए मैं आपको, चुनौतियों और आपके भाव को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश में वो चार धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। मैं पुनः आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़ कर आपने सेवा भाव से काम किया है। इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूँ। आज के अवसर पर पुनः, चूंकि आज सुंदर दिवस है, आज का ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, ये स्थापना दिवस है, मैं आप सभी के राज्य के तीर्थ पुरोहित और चारधाम से जुड़े लोग मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मिलने पहुंचे और सभी ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को वापस लेने के निर्णय के प्रति आभार जताया। सीएम के फैसले से खुश पुरोहितों ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के शेर हैं और सभी उनके साथ हैं।
के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देवस्थान बोर्ड भंग होने से उत्तराखंड में जो हमारे पुरोहित समाज हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण समाज हैं, जो हमारे चार धाम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री में रह रहे जितने भी व्यवसायिक लोग हैं, आज वो सभी अत्यंत प्रसन्नचित हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने पहले भी कहा कि सनातन की जीत है और दूसरी धामी की जीत। उत्तराखंड का एक शेर धामी है। वाकई में जो बोलता है वो करता है, और मैं समझता हूँ कि अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो इनको रोक सके अब आने वाले चुनाव में, और फिर ये मुख्यमंत्री बनेगा। चारों धाम का आशीर्वाद इनको मिल चुका है। धामी का मतलब होता है देवता, और देवता ही न्याय करता है, और वो भाई साहब ने एक बार जोरदार। भाई साहब, भविष्य में हम आपके साथ हैं, सारे चारों धाम के लोग आपके साथ हैं। बोले गंगा। जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्त और श्रमिक निरीक्षक धर्मराज सिंह के नेतृत्व में जसपुर की जनता का श्रमिक पंजीकरण किया गया। वहीं जसपुर की जनता ने कैंप में भाजपा के योजना उपाध्यक्ष विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की, जिस पर रोहेला ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय जल्द ही खोलने का आश्वासन दिया। ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं माननीय रोहेला जी के जो है प्रयासों से, और डीएम साहब के आदेशानुसार यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन सीएससी ई श्रम के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर वह ई श्रम के लिए कैंप आयोजित किया गया है, और ई श्रम के अंतर्गत ये भारत सरकार की योजना है, सभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, दुकान पर काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मकार के हों, कोई भी हो, उन सभी का रेशियो ई श्रम के अंतर्गत किया जाना है। और ई श्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 से लेकर 59 वर्ष तक के सभी श्रमिकों को पंजीकरण किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2 लाख का इंश्योरेंस उसका क्लेम हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लालकुआ के अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए दलितों को भी समान रूप से अधिकार देना जरूरी है, सभी दलित समुदाय को संगठित होना चाहिए जिससे दलितों को समान रूप से अधिकार मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि कानून में अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए कई कठोर कानून हैं, यदि किसी भी दलित के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का, वो संविधान के अंतर्गत वह निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव, मोहल्ले, घरों की। भीमराव अंबेडकर चौक पर भारत रत्न बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर स्कूली छात्राओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहिब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया, साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछड़े जाति और साथ ही दलित वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में गरीब और दलित लोगों के उत्थान के साथ ही समान नागरिक का दर्जा देने की पैरवी की। आज उन्हीं की बदौलत गरीब और दलित लोग भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने दावों के साथ जनता के बीच जा रही हैं।
उत्तराखंड सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा के विधायक रघुनाथ सिंह ने कहा कि आज जो विकास प्रदेश में भाजपा सरकार ने किया है वो 21 सालों में प्रदेश का सबसे बड़ा विकास है। भाजपा पूरे प्रदेश में विकास कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा में सड़कों के जाल बिछाने के साथ अल्मोड़ा नगर की बहुत पुरानी मांग सीवर लाइन, ट्रक पार्किंग और पानी को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं रघुनाथ सिंह ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण है इन पांच। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता के दिलों को जीतने का मंत्र फूंक रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियों में टिकट को लेकर खींचतान जारी है। अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री जोगेंद्र सिंह ने विधानसभा छबरेड़ा से भाजपा के टिकट की दावेदारी पेश की है। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधानसभा से सिटिंग विधायक देशराज कर्णवाल का क्षेत्र में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए जोगेंद्र सिंह ने झबरेड़ा से अपनी दावेदारी पेश की है। पहले मेरी दो बार से जो है सन 2017 और उपचुनाव हुआ था, राजपाल जी उसमें प्रत्याशी थे, वो मेरी दो बार से भगवानपुर विधानसभा से दावेदारी रही है, लेकिन इस बार मैंने जो है झबरेड़ा विधानसभा से। बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेसियों ने गदरपुर तहसील के कस्बे में जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैनीताल के पूर्व विधायक के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेसियों ने दिनेशपुर में भी जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपाइयों के इशारे पर ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यशपाल आर्य पर हमला हुआ। और हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा लगातार नज़र हमें आता है, लेकिन सवाल ये नहीं है, इससे बड़ा सवाल क्या है, क्या राजनीति में हिंसा की कोई जगह है? सवाल ये है। और मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, और हम जिस प्रकार की सियासत करते हैं और जिस प्रकार की सियासत को लेकर के देश में चलना चाहते हैं उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, और हम किसी भी प्रकार की हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने यहाँ पर पुतला फूंका है। जैसा कि आप जानते हैं, यशपाल आर्य जी कल अपने सुपुत्र के साथ बासपुर आ रहे थे और उनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक या इस तरह के लोगों ने हमला करा है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और सरकार से हमारी मांग है कि जो कल हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी शांति से नहीं बैठने वाली है। जब तक नतीजे सामने नहीं आएंगे हम लोग धरना प्रदर्शन करते। उधम सिंह नगर के किच्छा में वरिष्ठ किसान नेता सुरेश पपनेजा ने पुलभट्टा के फ्लाईओवर का निर्माण जल्द किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता सुरेश के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निकट सड़क किनारे धरना देते हुए प्रदेश सरकार और साथ ही गल्फार कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान नेता सुरेश पपनेजा ने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के चलते गल्फार कंपनी के अधिकारियों ने खुलेआम मनमानी की जा रही है, जिसके चलते 5 वर्षों से बनाया जा रहा फ्लाईओवर आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसान नेता ने कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से जनता और वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ पुलभट्टा जो कि ओवरब्रिज है, रेली लाइन से जो काड़ोदाम की लाइन है उसके ऊपर ओवरब्रिज बन रहा है, 5 साल से बन रहा है। और इधर पुलभट्टे की रोड जिसके लिए मैंने पिछले साल 30 बार हर शनिवार अपने लोगों को साथ लेकर यहाँ धरना दिया था, ये पुलभट्टे वाला रोड बन गया था। और ये ओवरब्रिज का एक पार्ट अभी भी एक साइड थोड़ी रह गई है,
एक साइड बनी हुई है, रोज यहाँ पर लंबा लंबा जाम दिन में भी रात में भी लग रहा है। इसका एक कारण और भी है, एक तो यहाँ ये चौड़ाई कम है, जो ये उतार इन्होंने गलफार में बना रखा है ये बहुत चौड़ाई कम है, इसमें ट्रैफिक फंस रहा है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और जब तक दो लेन यहाँ नहीं चलती हैं इसको चौड़ा नहीं करते। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये अभी कच्चा है सारा, और ये थोड़ा सा पार्ट जिसको महीनों से ये बना रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल लौटेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। छोटे वीर नूं नौकरी मिली है कोऑपरेटिव बैंक दे विच, कल ही ज्वाइन कीता है। ओए बल्ले आता कमाल ही करती छोटे ने। कमाल छोटे ने नहीं ताया जी, पंजाब सरकार ने कीती है। मुख्यमंत्री चन्नी जी ने 1,00,000 नौकरी देने का ऐलान किया पूरे पंजाब च। अच्छा होर की ताया जी। ओए तू ए दस पैसे किन्ने लगे हैं? इत्थे कमाल कीती है अपने छोटे ने। क्या मतलब? मतलब एक तेला भी नहीं लगया। मुख्यमंत्री चन्नी जी ने साफ साफ कहा भी नौकरी मिलू ता मेरिट दे आधार ते, ना कोई रिश्वत ते ना ही कोई सिफारिश। आ ता बाला ही चंगा होया भाई, तेरी मां नूं भी आही झोरा खाई जांदा सी भाई की बनू मुंडे दा की बनू मुंडे दा। कल्ली मेरी मां नूं नहीं ताई जी, पूरे पंजाब नूं यही झोरा लग्या होया सी कि की बनू नौजवानां दा। मसा ता चेहरे ते रौनक आई है। ओए छड साडे चेहरे ते भी रौनक लिया, गल्लां ही मारी जाएगा कि लड्डू भी खवाएगा। चलो ताया जी तुसी लड्डू खाओ। तुहाडी अपनी पंजाब सरकार करेगी हर सुपना साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले दिनों हुई वर्षा से जनपद अल्मोड़ा में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें लोगों के खेत और आंगन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की थी, जिसको अब प्रशासन ने मान लिया है। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पिछली बारिश से लोगों के खेत और आंगन की दीवारें टूट गई हैं, जिसके लिए अब प्रशासन ने जनपद के लिए 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। अब लोग मनरेगा के माध्यम से अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जिसके लिए जनपद के सभी ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्नीस और 20 अक्टूबर को जो अतिवृष्टि हुई थी उस कारण हमारे पास कई सारी कंप्लेंट्स आई थी कि लोगों के आंगन और लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमने एक अभियान स्वरूप जो है सारे खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि भूमि सुधार के अंतर्गत इस प्रकार के सारे प्रस्ताव जो प्रस्तुत करें। अभी तक लगभग हमारे पास 8.5 करोड़ के करीब 1,000 से संख्या से अधिक के प्रस्ताव जिनके हम सैंक्शंस यहाँ पे दे चुके हैं, उनको हम लोग सैंक्शंस जारी कर चुके हैं और ये कार्य धरातल पर इस समय प्रारंभ हो रहे हैं। यदि अभी भी कोई व्यक्ति जिनके कि वहाँ आपदा में कोई अगर खेत या आंगन इस प्रकार के क्षतिग्रस्त हुए तो वो मनरेगा में अपना प्रस्ताव निकटतम अपने ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी को। बीते 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर पहुंचे थे, जहां एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। उसी रैली में जनपद हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं से लगभग 40,000 लोग पीएम के कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं ज्वालापुर विधानसभा से कार्यकर्ताओं को लेकर देहरादून रैली में शामिल होने जा रही बस और कार की भिड़ंत हो गई, जिससे सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत सहित एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मृतकों को 2-2 लाख और साथी घायलों को इलाज के लिए 50,000 भाजपा सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल 4 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री की रैली में जा रही बस के साथ में टकरा कर 3 लोग मृत हो गए थे, मृत्यु हो गई थी, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा
और जो लोग घायल हो गए तो उनको 50-50 हजार रुपए उनके इलाज के लिए दिए गए। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राज्य के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में भी पहाड़ों की चोटियों और घरों को बर्फ की चादर ने ढक दिया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे से ही बर्फबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इलाके में ठंड बढ़ गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोमवार सुबह को हुई ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। चमोली जिले के बद्रीनाथ में भी खूब बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के मुखवा गांव में भी बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह 5 बजे से लगातार बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से यहां पे काफी ज्यादा ठंड। पुराने रास्तों से उत्तराखंड के चारों धामों की पैदल ट्रैकिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और ट्रैक द हिमालय का 25 सदस्यीय दल आज गोपेश्वर पहुंचा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दल के सभी सदस्यों को ट्रैकिंग पूरी करने पर बधाई देते हुए टीम के अनुभवों को भी जाना। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर चारों धामों के पौराणिक मार्ग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 25 अक्टूबर को ऋषिकेश से पैदल यात्रा शुरू की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दल को रवाना किया था। उल्लेखनीय है कि दशकों पहले चारधाम यात्रा ऋषिकेश से पैदल मार्ग से ही होती थी। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण तीर्थयात्री इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश से चारों धाम तक पुराने रास्ते की तलाश शुरू की गई है, ताकि सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित रखा जा सके। इसके लिए SDRF पर्यटन माउंटेनियरिंग के साथ साथ विशेषज्ञों की 25 सदस्यों की टीम को भेजा गया था। दल ने पुरानी पगडंडियों से होते हुए पूरे रास्ते का अध्ययन कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ जानकारी इकट्ठी की। प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश पंत ने बताया कि ऋषिकेश से पुरानी पगडंडियों से होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की करीब 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा 43 दिनों में पूरी करने के बाद ट्रैकिंग दल गोपेश्वर पहुंचा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मौसम बदलने से झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से जिले में ठंड बढ़ने लगी। आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे भी खुल उठे। ये बारिश रबी की फसल के लिए लाभकारी साबित होती है। इसके साथ ही शुष्क ठंड से भी राहत मिलेगी। हरिद्वार के रोशनाबाद में एक वृद्ध दंपति के घर में चोरी की घटना हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को दंपति के घर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश थी। वहीं SSP ने बताया कि 4 दिसंबर को आयुर्वेद भवन दयानंद नगरी ज्वालापुर में 2 व्यक्तियों ने डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास की CCTV फुटेज को खंगाल लिया था और फुटेज से घटना के 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर घटना को अंजाम देने की क्लिप दिखाई दी, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरी पड़ताल की और उनके पास रखी गाड़ी समेत कई सामान बरामद किए। ये 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनके आंखों में मिर्च झोंक कर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये एक चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी, तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारी CIU है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और 2 दिन की लगातार कॉन्स्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये इनसे बरामदगी हुई है। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में इनको पता था कि वृद्ध हैं ये और इनको लगता था कि आसानी से। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB News। नमस्कार।